हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, लकड़ा सिंह 10+12 पर। देखो बेटा, आज कक्षा 10 में मैं बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, आईपीएससी में। इससे पहले मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा क्या 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 होता है। देखो, इससे पहले मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तुम्हें। क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बेटा क्या क्या तुम्हें पढ़ना होता है मैं वो यहां बता दूंगा। ये मैं यहाँ तीन श्रेणियां बताऊंगा, इन श्रेणियों से आप सब नाम सीख जाओगे। पहले बताऊंगा मैं एल्क। क्या बताऊंगा? एल्क। एल्क क्या होती है? कार्बन को देख के आप अधूरा नाम सीख जाओगे। जैसे एक कार्बन के लिए जो एल्क का नाम है वो मेथ है, अधूरा नाम। दो कार्बन हो अगर तो एथ है, तीन कार्बन हो तो प्रोप है, चार कार्बन हो तो ब्यूट है, पांच कार्बन हो तो बेटा पेंट है, छह कार्बन हो तो हेक्स। सब समझ में आ जाएगा, पहले देखते रहो। सात कार्बन हो तो हेप्ट, और आठ कार्बन हो तो ऑक्ट। ऑक्ट। और नौ कार्बन हो तो नॉन, और दस कार्बन हो तो डेक। बस यहीं से देखेंगे। ये अधूरी एल के याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए फिर अब मैं बताऊंगा। देखो, अब जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी है एल्केन। क्या है बेटा? एल्केन। ये है दूसरी एल्कीन, तीसरी है एल्काइन, और चौथी है एल्किल। क्या है? एल्किल। देखो, एल्केन का जो, अगर हम इसको तोड़ तोड़ के लिखें तो तोड़ के इसको बोलेंगे एल्क प्लस का एन। एल्क प्लस का एन, इसको बोलेंगे बेटा एल्क प्लस का इन, इसको बोलेंगे एल्क प्लस का आयन, और इसको बोलेंगे एल्क प्लस का इल। एल्क प्लस का इल। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+K2। यानी कि जो एल्केन जो भी होगा, एल्केन के सूत्र में हाइड्रोजन जो परमाणुओं की संख्या है वो कार्बन परमाणु के दूने से भी दो अधिक होती है। कोई भी एल्केन हो, अगर एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन का आप जो मिलाओगे तो इस सूत्र से मिलाओगे। कैसे? कि जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो कार्बन परमाणु की संख्या के दूने से भी दो अधिक होती है। एल्केन में क्या होता है बेटा? सीधे होता है CnH2n। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो कार्बन परमाणुओं की पूरी दूनी होती है। इसमें क्या होता है? CnH2n-K2। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, कार्बन n है तो 2n-K2। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो कार्बन परमाणु के दूने से भी दो कम होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसका होता है CnH2n+1, और एक संयोजकता खाली रहती है, रिक्त रहती है। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो कार्बन परमाणु की दूने से एक अधिक होती है। अच्छा, और इसकी क्या पहचान है? यदि श्रृंखला है। क्या है? श्रृंखला। तो श्रृंखला में क्या होता है? इसके श्रृंखला कार्बन की श्रृंखला में, किसकी? कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध। इसमें एल्कीनों में क्या होता है? कार्बन कार्बन के
के बीच कम से कम, कम से कम एक द्वयाबंध हो। कैसा हो? द्वयाबंध हो, यानी कि डबल बंध हो। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक त्रिकाबंध हो। क्या हो? त्रिक और आबंध हो। क्या हो? त्रिकाबंध। ऐसे इसमें बेटा कार्बन कार्बन के बीच एकलबंध क्या हो? एकलबंध हो। क्या हो? एकलबंध। तथा किसी एक कार्बन की एक संयोजकता संयोजकता रिक्त हो। रिक्त का मतलब हो खाली हो, जैसा मैंने वहां देख लिया। ठीक है, अब बेटा इन श्रेणियों के पहले पहले सदस्य देखो। इस श्रेणी का पहला सदस्य जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? एक कार्बन का। तो एक कार्बन ले रहा है, अब हाइड्रोजन क्या करो? इसमें ये बता रहा है कि सूत्र इससे बनाओगे। कैसे? एक कार्बन हो तो उसका दूना करोगे, दो हो गया, दो प्लस के दो कितना हो गया? चार। यानी कि इस श्रेणी का पहला सदस्य हो गया कौन सा? CH4। दूसरा सदस्य C2 लोगे, दो का दूना दो, चार यहां रखो, एन की जगह दो रखोगे, दो दूनी चार, और दो कितना हो गया? अच्छा, तो C2H6। अब इस श्रेणी का तीसरा सदस्य लोगे C3, यहां तीन लिखोगे, तीन दूनी छह और दो आठ, यानी कि HK8। या चौथा लोगे यहां, तो यहां क्या लोगे? C4, यहां फोर रखो, चार दूनी आठ और दो दस, तो HK10। ठीक है, यानी कि फिर क्या होगा? C5 और HK पांच दूनी दस और दो बार है। ठीक, नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन का है, एन लगा दो। क्या है? एल्क प्लस का एन लगा दो, तो मेथ और एन, तो ये हो गया मीथेन। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथ और एन लगाओगे तो एथेन। तीन कार्बन है तो प्रोप लिखोगे और एन लगाओगे तो प्रोपेन। चार कार्बन की एल्केन हो जाएगी ब्यूट और एन तो ब्यूटेन। पांच कार्बन की होगी पेंट और एन लगाओगे तो पेंटेन। अब देखो बेटा, ये तो तुम्हारा दरअसल में सीधे है। अब अगर श्रृंखला देख लें तो श्रृंखला में जैसे मान लो C एकलबंध C एकलबंध C एकलबंध C, ये है कार्बन कार्बन एकलबंध है। संयोजकता पूरी करोगे तो कार्बन की संयोजकता चार होती है। पूरी किससे करोगे? हाइड्रोजन से, क्योंकि नाम लिख रहा है हाइड्रोकार्बन। तो कैसे करेंगे हम? यहां लिखेंगे बेटा, इसकी देखो कितनी संयोजकता होती है कार्बन की, चार। एक यहां लगी हुई है तो तीन चाहिए ना, तीन और रह गए इसकी खाली, तो HK3 लगा दो। इसके कार्बन के देखो, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, दो जगह जुड़ चुका है, दो ही और रह गया, क्योंकि सब चार जगह होता है, तो CH2। ऐसे ये भी कार्बन एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा ना, कितने जगह? चार, तो यहां दो लगा दो HK। और यहां पर कितना हो जाएगा? ये एक जगह जुड़ा हुआ है, सब चार जगह जुड़ता है, तीन जगह और जोड़ दो, यानी कि HK3। तो ये चार कार्बन की एल्केन हो गई। सब एकलबंध है तो पहचान ली हमने कौन सी एल्केन है। अब चार कार्बन की एल्केन कितने हो जाएगी? अरे चार के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और चूंकि एल्केन है तो एन, तो ब्यूटेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्यूटेन। और देखो बेटा, C एकलबंध C एकलबंध C एकलबंध C, ये सी कंप्लीट करो, सूत्र अभी कंप्लीट नहीं है। तो कैसे करेंगे? यानी कि कार्बन संयोजकता कंप्लीट कर दो। ये कार्बन की एक संयोजकता जुड़ी है, हमें पता है प्रत्येक कार्बन की संयोजकता होती है चार, यहां पर तीन और लगा दो, तो HK कितने लगा दो? तीन। ये कार्बन को कितने H चाहिए? एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, दो और चाहिए, तो HK2। इसको भी कितने चाहिए? दो, तो HK2। यहां भी HK2 और यहां HK3।
यानी कि कुल मिलाकर के एल्केन जो है CH3 से स्टार्ट करो और CH2 जब तक तुम्हारे मान लो नाम के अनुसार कार्बन है तो CH2 लास्ट में CH3 आता है, ठीक है ना। अब ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एल्केन है, क्योंकि हमने देख रहे हैं श्रृंखला में सब एकल बंधे हैं इसलिए एल्केन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट होती है, क्या होती है, पेंट, और इन लगाओगे तो पेंटेन, सही है। इस तरीके से आप कि इसकी श्रृंखला भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो फिर देखते हैं बेटा आगे देखेंगे, अगला देखो, अगला कौन सा है बेटा, यहां देखो एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होता है बेटा, एल्कीन एक कार्बन की ना होती है, कितने, एक कार्बन की एल्कीन ना होगी, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए क्योंकि 2 एक बंद लगाएंगे, तो 2 कार्बन की एल्कीन क्या हो जाएगी भाई, इस सूत्र से लिखोगे यहां पर क्या आ जाएगा, यह आएगा C2H4 C3H6 C4H कितना 8 C5H कितना 10। अच्छा, जिन हाइड्रोकार्बनों में ये वाला संबंध बन जाए, कौन सा वाला, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सीधे कार्बन की कैसी हो, दोगुनी हो, समझ लो एल्कीन हो जाएगी। अब एल्कीन में कौन सा, हमने तुम्हें बताया यहां पे ये एल्क प्लस का इन, अब 2 कार्बन के लिए एल्क कौन सी होगी, 8, इन लगाओगे तो ये हो जाएगा एथीन, ये क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इन तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, 4 कार्बन के लिए हमने तुम्हें बता रखे हैं इधर, ये बेटा की पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इन लगाओगे तो ये हो जाएगा बीटीन, इसी तरीके से 5 कार्बन के लिए पेंट, और इन लगाओगे तो क्या हो जाएगा पेंटीन। अब आ जाओ बेटा, ये तो हमने ऐसे ही पहचान लिए, इस सूत्र के अनुसार पहचान लिए कि जिनमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या के दूनी होती है वो क्या होती है एल्कीन। अब श्रृंखला में देखो बेटा, श्रृंखला में कैसे देखोगे, इधर देखेंगे, देखो श्रृंखला में जैसे मान लो ये है सी एकल बंध सी दो एक बंध सी, ये तो हमने ये देख लिया भाई ये दो एक बंध है, ये तो एल्कीन है क्योंकि हमें पहचान है दो एक बंध की, कम से कम एक दो एक बंध हो। कंप्लीट करोगे इसको तो यहां पे हम देख रहे हैं ये कार्बन 2 जगह जुड़ गया, 1 2 जुड़ना कितनी जगह होता है 4, तो एच के 2 लगा दो। यहां कार्बन कितनी जगह जुड़ा है 1 2 और 3, 1 एच लगा दो। यहां ये कितनी जगह जुड़ा हुआ 1, तो 3 और लगा दो। इस तरीके से ये एल्कीन हो गई, क्या हो गई एल्कीन, और एल्कीन भी कितनी कौन सी हो गई, क्या ये तो बेटा 3 कार्बन है 1 2 3, तो प्रोपीन हो गई, क्या हो गई प्रोपीन। ऐसे ही बेटा यहां सी दो एक बंध सी एकल बंध सी एकल बंध सी एकल बंध सी, ये भी एक एल्कीन है क्योंकि हमें पता है दो एक बंध है तो एल्कीन हो गई, सही है। अब इसको कंप्लीट करेंगे, एच के इसको कितना लगाऊंगा 3, इसको कितना लगाऊंगा 2, इसको कितना लगाऊंगा 2, इसको कितना 1, क्योंकि 1 2 3 3 जगह जुड़ा हुआ है 1 और लगा दो, ये 2 जगह जुड़ा है इसके लिए 2 लगा दो। अब ये कौन सी हो गई बेटा, दो एक बंध दिखाई दे रहे हैं श्रृंखला में तो एल्कीन है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो पेंट और इन, तो क्या हो जाएगा ये पेंटीन। इस तरीके से श्रृंखला में भी हम पहचान लेते हैं। आ जा बेटा और देखो कैसे आगे हम दिखाएं इसमें, देखो इस हमने बताया एल्काइन भी 2 एक कार्बन की ना होती है, तो कितने होने चाहिए 2 कार्बन, तो C2 यहां 2 लग दो, 2 2 4, क्योंकि यहां 2 लिख रहे हो तो यहां भी तो एन की जगह लिखोगे 2 2 4, 4 में 2 गए 2, तो इस श्रेणी का प्रथम सदस्य हो गया C2H2। अगला C3 यहां 3 लगाओ, 3 2 6 और 2 गए तो कितने हो गए 4। ऐसे ही C4H यहां लिखोगे 4 2 8, 8 में 2 गए 6। ऐसे ही C5 और H कितने हो जाएंगे 5 2 10, 2 में से 2 गए तो कितना हो गया 8। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम कितना हो जाएगा, हमें पता है ये कौन से सूत्र को फॉलो कर रहा है एल्काइन वाले के लिए। एल्काइन वाले में क्या होता है एल्क प्लस का आयन, यानी कि कार्बन को देख के एल्क लो और आयन लगा दो, तो कार्बन कितने हैं 2,
अब दो कार्बन के लिए तो एथ होता है और आयन लगाओगे तो ये हो गया एथाइन। यहां पे तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए प्रोप और आयन तो ये हो गया प्रोपाइन। चार कार्बन के लिए ब्यूट और आयन लगाओगे तो ब्यूटाइन। पांच कार्बन है तो पेंट और आयन तो ये हो गया पेंटाइन। ठीक है, इस तरीके से अब श्रृंखला के रूप में कैसे पहचानेंगे। मान लो जैसे सी एकलबंध सी त्रिकबंध सी ये वाला है, यहां हम देख रहे हैं श्रृंखला में एक हाइड्रोजन है, क्या है एक सॉरी त्रिकबंध है, और त्रिकबंध है तो हमें पता पड़ गया कि जब त्रिकबंध है तो यहां पे निश्चित ही क्या होगा बेटा ये एल्काइन है। संयोजकता पूरी कर दो, एच को कितना, इसको कितना चाहिए एक एच, कितना चाहिए एक एच, इसे एक भी एच ना चाहिए क्योंकि संयोजकता होती है चार, एक दो तीन और चार, तो एक भी ना चाहिए, इसको कितना चाहिए तीन, तो ये एल्काइन हो गया। अब एल्काइन हो कौन सा गया, एल्काइन कितने कार्बन है एक दो तीन, तो ये हो गया प्रोप और आयन, तो क्या हो गया प्रोपाइन। इसी तरीके से और देख लो सी एकलबंध सी एकलबंध सी और त्रिकबंध यहां पर सी है, कितने कार्बन है यहां पर चार कार्बन है, कितने हैं चार। अब संयोजकता पूरी करेंगे बेटा, कितना केवल एक एच चाहिए इसे, इसे एक भी एच ना चाहिए क्योंकि एक दो तीन चार हो गए पूरे, इसको कितने चाहिए दो एच और इसको कितने चाहिए तीन। ठीक है, इस तरीके से ये कितने कार्बन की चार कार्बन की एल्काइन है। अब चार कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट और आयन लगा दो तो ये हो गया ब्यूटाइन। ठीक है ना, पहले इधर देख लो फिर बहुत तो मैं धीमे धीमे सबको सिखा दूंगा, परेशान ना हो। देखो इधर इस तरीके से हमने ये क्या बना दिया तुम्हें, ये ब्यूटाइन बन गया, क्या बन गया ब्यूटाइन। अब देखो मैं तुम्हें और दिखाता हूं तुम्हें इस, अब आ जाओ कौन सी श्रेणी पे एल्किल पे। एल्किल में एक कार्बन का होता है, एक कार्बन का होता है तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा, अरे यहां एक लिखोगे तो सी और यहां एक दूनी दो और एक तीन तो एच थ्री, ये तीन लगा दो। ऐसे ही बेटा यहां दो लगा दो तो सी टू और एच, यहां दो लिखोगे दो दूनी चार और एक पांच। ठीक है, ऐसे ही सी थ्री और एच तीन लिखोगे यहां, अरे यहां तीन ले रहे हो तो यहां भी तीन दूनी छह और एक सात। इसी तरीके से सी फोर और एच कितना हो जाएगा बेटा चार दूनी आठ और एक नौ। ठीक है, अब नाम क्या हो जाएगा, नाम साफ पता पड़ रहा है एल्क प्लस का एल है, क्या है एल्क प्लस का एल, तो एल्क कौन सी है बेटा मेथ है, और एल लगाओगे तो मेथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथिल। दो कार्बन के लिए एथ और एल लगाओगे तो एथिल होगा, तीन कार्बन के लिए प्रोप और एल लगाओगे तो प्रोपिल हो जाएगा, चार के लिए ब्यूटिल, क्या हो जाएगा ब्यूट और एल लगाओगे, तो इस तरीके से मेथिल एथिल प्रोपिल और ब्यूटिल। और आगे और आगे भी बन जाएंगी, कौन सी भाई पेंटिल हेक्सिल हेप्टिल ऑक्टिल नॉनिल और डेकिल। तो इस तरीके से आप प्रत्येक श्रेणी के कितने दस दस सदस्य लिख सकते हो, कितने लिख सकते हो दस। देखो आपको क्या याद रखना है ये देख लो, बस ये याद रखोगे एल्क, एल्क अगर आपको याद है तो समझ लो काफी हद तक आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखो एक कार्बन के लिए मेथ कहते हैं, दो कार्बन के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और दस के लिए डेक। ये आपको याद होनी चाहिए, एक बार मेरे साथ बोलोगे तो फिर आपको जो है सुख के अंश में याद रहेंगे। एक कार्बन के लिए एल्केन, देखो एल्क से एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्किल सब बन जाते हैं, तो एल्क याद होनी चाहिए। कितने कार्बन के लिए अधूरा कौन सा नाम है, यही एल्क है। एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट और आठ के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और दस के लिए डेक। हालांकि आप इतना ना याद करो, सात तक ही याद कर लो, कितना कर लो सात तक। अब देखो इस, अगर ये याद है तो कोई कहने लगे एक कार्बन के एल्केन, अरे एक कार्बन के लिए मेथ और एन तो मेथेन, दो के लिए एथेन, तीन के लिए प्रोपेन, चार के लिए ब्यूटेन, पांच के लिए पेंटेन, छह के लिए हेक्सेन, सात के लिए हेप्टेन। कोई ये कहने लगे एक कार्बन के एल्कीन और एल्काइन ना होते हैं, तो दो कार्बन के लिए एल्कीन एल्क और इन,
तो दो कार्बन की एल्क कौन सी होती है बेटा, एथ, और इन पूछ रहे हैं एल्कीन तो एथीन, तीन के लिए प्रोपीन, चार के लिए ब्यूटीन, पांच के लिए पेंटीन, छह के लिए हेक्सीन। इसी तरीके से एल्काइन, एल्क और आयन, कितने कार्बन की, कार्बन दो की, तो दो कार्बन के लिए एथ लेंगे और आयन लगाओगे तो एथाइन, तीन के लिए प्रोपाइन, चार के लिए ब्यूटाइन, पांच के लिए पेंटाइन। ठीक ऐसे ही बेटा एल्किल श्रेणी। अब एल्किल में आपको बता रहे हैं भाई, एल्किल पूछ रहे हैं एल्क और एल, तो कितने कार्बन के लिए कौन सी एल्क होती है ये तो आप जानते हो, एक कार्बन के लिए मेथ होगी और एल्किल पूछ रहे हो तो इल लगाओगे तो मेथिल, दो के लिए एथिल, तीन के लिए प्रोपिल, चार के लिए ब्यूटिल, पांच के लिए पेंटिल, छह के लिए हेक्सिल, सात के लिए हेप्टिल। तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। अब सूत्र कैसे याद करोगे बेटा, सूत्र बनाओ इससे, इससे डायरेक्ट सूत्र बनाओगे, ठीक है ना, कितने कार्बन लेने हैं वो तो नाम से ही पता पड़ रहा है। जैसे प्रोपेन है, अब प्रोपेन का मतलब तीन कार्बन लेने हैं, तो यहां तीन रख दो, तीन यहां रखोगे, तीन दूनी छह और दो आठ, तो C3H8 हो जाएगा, C3H8 किसका, प्रोपेन का। अब कोई ब्यूटीन का पूछ रहा है, तो ब्यूटीन का मतलब है, ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार कार्बन, तो यहां चार लिखोगे, यहां पे आठ हो जाएगा, तो ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, C4H8। इस तरीके से आप सबकी क्या है, किसी का भी सूत्र बना सकते हो इनके सामान्य सूत्रों से। आ रही बात तुम्हारी समझ में। अब देखो बेटा मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पेशल बताऊंगा, सबके आईपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, एक मिनट रुको बेटा। देखो बेटा ए एल्केन में, अब देखो एल्केन का बता रहा हूं मैं, आईपीएसी नेम बता रहा हूं, आईओपीएसी जो नाम है वो एल्केनों के बता रहा हूं। अब बेटा एल्केन में क्या होता है, जो सिंपल है वो तो एक अलग चीज है, जैसे एक कार्बन का है CH4 और दो कार्बन का C2H6 या यहां पे है CH3 और CH3, इनके आईपीएसी नाम वही हैं जो इनके जनरल नाम है, कौन से मेथेन, क्या है इसका मेथेन है और इसका क्या है एथेन। अब बेटा जब भी क्या करोगे, यहां पे तीन या तीन से कार्बन अधिक करोगे, क्या करोगे तीन या तीन से अधिक, तो आपको नाम से पहले ना कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो ये है, ये है देखो CH3 और CH2, यहां CH3 और करेंगे यहां CH3, यहां CH2, CH2 और CH2 और CH3, ठीक है ना, इनके क्या करोगे और देखेंगे बेटा, और यहां CH3 CH2 और CH2 और CH2 और यहां कर लो ये इतना ही रहने दो CH3, ठीक है ना। तो दो कार्बन तक तो कोई टेंशन ना है, लेकिन जब कार्बन तीन हो या तीन से अधिक हो तो नाम से पहले पता है क्या लगाना पड़ेगा आपको, नॉर्मल लगाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सीधी रेखा है तो यहां लिखोगे नॉर्मल, और क्या लिखोगे यहां पे कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो इसके लिए नॉर्मल प्रोपेन लिखोगे, क्या लिखोगे नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है, इसके लिए एक दो तीन चार पांच, ये कौन सा है तुम्हारा, ये बेटा पांच कार्बन है तो इसको लिखोगे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पांच कार्बन है तो क्या लिखोगे पेंटेन, ठीक है, ऐसे इसको लिखोगे नॉर्मल, नॉर्मल को खाली एन से रिप्रेजेंट कर दो ऐसे एन, और क्या हो जाएगा चार कार्बन है तो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखो बेटा चूंकि एल्केनों में श्रृंखला भी हो सके, तो देखो श्रृंखला कितनी होती है ये देखते हैं, देखो नॉर्मल सीधी रेखा वाली होती है, एक होती है आइसो और एक होती है नियो, आइसो और नियो, आइसो और नियो कैसे होते हैं बेटा, आइसो एल्केन और नियो एल्केन, नियो एल्केन, ये बेटा नॉर्मल एल्केन थे, क्या थे सीधी रेखा वाले नॉर्मल, ऐसे ही होते हैं आइसो। तो देखो जब श्रृंखला में बेटा सी एच हो, जब श्रृंखला में क्या हो सी एच
तो वो आइसो कहलाते हैं। जैसे मान लो ये है सी एच, यहां सी एच थ्री, यहां भी सी एच थ्री और ये है सी एच थ्री, तो इसका नाम पता पूरा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा कितना, नाम के पहले लिखोगे आइसो, क्या लिखोगे आइसो, और एक दो तीन चार आइसो और ब्यूटेन है, क्या ये आइसो ब्यूटेन। या और देख लो बेटा सी एच है यहां, यहां सी एच थ्री सी एच टू, यहां सी एच थ्री, यहां पे सी एच थ्री और यहां भी सी एच थ्री, तो ये भी बेटा क्या है आइसो है, क्या है आइसो आइसो, और कितना एक दो तीन चार पांच, तो ये आइसो पेंटेन है, क्या है आइसो पेंटेन। यानी कि जब श्रृंखला में सी एच हो तो उसके नाम से आगे एल्केन के नाम से आगे आपको आइसो लिखना पड़ेगा, ये साधारण नाम है आईपीएसी नाम ना है। ऐसे ही बेटे नियो, जब श्रृंखला में सी ओ, जैसे यहां सी एच थ्री और यहां सी एच थ्री और यहां सी एच थ्री और यहां पर सी एच थ्री, तो पता है इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा नियो, और बेटा क्या एक दो तीन चार पांच, तो नियो पेंटेन हो गई, क्या हो गई नियो पेंटेन। और चलाओ बेटा सी, एक अलबन सी है यहां पर, यहां ऐसे कर दो सी एच थ्री, यहां भी सी एच थ्री, यहां भी सी एच थ्री, यहां सी एच टू और यहां सी एच थ्री, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, तो ये इसके भी नाम से पहले क्या लिखोगे नियो, क्या लिखोगे नियो, तो नियो फिर क्या कहो एक दो तीन चार पांच छ, तो नियो हेक्सेन है। आ रही बात तुम्हारी समझ में, थोड़ा सा देखो बेटा ये एक आ जाता है इनमें से ही, अगर आईपीएसी आती है तो इनमें से एक आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बेटा। नॉर्मल का मतलब है सीधी रेखा में, यानी कि कहीं भी शाखा कोई ना निकली हुई है, यहां एक शाखा निकली हुई है, यहां भी एक शाखा निकली हुई है, यहां एक नीचे है और एक ऊपर है, दो शाखाएं निकली है, यहां भी एक नीचे है और एक ऊपर है, तो कितनी निकली है, यहां भी कितनी है, दो शाखाएं निकली है, ठीक है। तो अब आप कैसे पहचानोगे, सिंपल है, जब श्रृंखला में सी एच ओ, सही है, क्या हो सी एच, तो समझ लो कौन सा होती है वो आइसो होती है, क्या होती है आइसो। यानी कि कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जिसमें किसी भी कार्बन की दो संयोजकता से ज्यादा संयोजकता कार्बन से ना जुड़ी हो तो वो नॉर्मल, ऐसी श्रृंखला जिसमें किसी कार्बन की तीन संयोजकता किससे जरूरी हो कार्बन से हो तो होती है तो उसके पहले नाम से पहले आइसो, और जिसकी चारों संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हो वो उसके नाम से पहले नियो। देखो कोई कहने लगे ऐसे कि हमें तो नियो हेप्टेन का सूत्र लिखो, नियो हेप्टेन, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अब नियो का मतलब पहले तो इसकी चार संयोजकताएं एस एस सी 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 लगा दो, ठीक। अब ये मैंने नियो बना ले, लेकिन हमें देख रहे हैं नाम से पहले हेप्टेन है, हेप्टेन का मतलब सात कार्बन, तो एक दो तीन चार पांच, ये तो कितने हो पांच, तो कहीं भी लगा दो, दो इधर बढ़ा दो, एक इधर और एक इधर ही और बढ़ा दो, ठीक है ना। तो आप देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, ये हेप्टेन हो गई। पूरा कैसे करोगे बेटा, वही कार्बन के संयोजकता चार होती है, तो यहां पर कितने लगा दूं एच के तीन, यहां पर एच के दो, यहां पर एच के दो, यहां पे एच के तीन, यहां एच के तीन और यहां पे एच के तीन। अब तुम ये सोच रहे इस पे क्यों ना लगाया बेटा, कार्बन की संयोजकता चार होती है, चार ये तो जुड़ा हुआ है, एक तरफ दो तरफ तीन तरफ और चार, चार संयोजकताओं से जुड़ा हुआ है तो इसको क्यों लगाएंगे, तो ये क्या हो गया बेटा नियो हेक्सेन हो गया, सॉरी नियो हेप्टेन। ऐसे ही कोई कहने लगा आइसो, क्या है आइसो पेंटेन बनाओ, क्या बनाओ आइसो पेंटेन, इसका मतलब क्या होता है कि सी एच लिख लो, इसकी तीन संयोजकताएं कार्बन से जोड़ दो, सही, ये आइसो बना दिया, लेकिन अभी पूरा ना हुआ क्योंकि आइसो पेंटेन मांग रहे हैं, पांच कार्बन चाहिए तो पांच किधर ही लगा लो, एक इधर लगा लो सी, ठीक है ना। अब संयोजकता पूरी कर दो, एच के इसको तीन चाहिए, इसको कितने चाहिए दो और इसको कितने चाहिए तीन और इसको कितने चाहिए दो, ठीक है, ये हो गया आइसो पेंटेन, समझ रहे हो ना। कुल मिलाए के हमें ये पता है कि आइसो लगाना है तो श्रृंखला में सी एच लिखो,
यानी कि उस सी एच की जो जिस ये सी कार्बन है इसकी तीन संयोजकता कार्बन से जोड़ो तब जाके आगे बनेगा। तो कम से कम आइसोब्यूटेन होना चाहिए। आइसो जब ही बन सकता है जब चार कार्बन का आइसो ये ब्यूटेन है। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें इसके नाम बता रहा हूं। नाम क्या करते हैं, देखो हमने तुम्हें बताया बेटा ऐसे करते हैं इसका, इसको जो है नंबरिंग करते हैं, बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी ये है एक दो तीन, या एक दो तीन, या एक दो तीन, एक दो तीन। तो हम देख रहे हैं किधर से इसके तीन सिरे हैं बेटा, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। उस सिरे से नंबरिंग करेंगे जिधर से श्रृंखला जल्दी से आ जाए। जैसे यहां देख रहे हो एक दो दो पर श्रृंखला आ रही है, इधर से कर रहा है एक दो दो पर श्रृंखला, तो किधर ही से कर दो। मैंने कर दिया चलो एक दो और तीन, सही। श्रृंखला में कितने कार्बन गिन गए, तीन गिन गए, लेकिन ये तो बच गया। तो जो बच गया वो पहले लिख दो। तो कौन से पे बचा, टू पे बचा। ये कौन है, ये सी एच थ्री होता है मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा टू मैथिल, टू मैथिल। और कितने कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन के एल्केन ले लो, तो तीन कार्बन के एल्केन क्या हो जाएगी, प्रोपेन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया टू मेथिल प्रोपेन। अच्छा इसका नाम क्या करोगे, वन टू थ्री फोर, इधर से नहीं देंगे क्योंकि एक दो तीन पे आ रही है ये श्रृंखला, इधर से दो पे, उधर से देंगे जिधर से जल्दी आ जाए। ये बच गया, इसका नाम पहले लिख लो, कौन बचा, एक कार्बन का बचा ना, तो इसको लिख लो टू मैथिल, टू मैथिल। अब श्रृंखला में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो चार के लिए एल्केन कौन सी हो जाएगी, ब्यूटेन, तो टू मैथिल ब्यूटेन। ठीक है ना, ऐसे इसमें भी श्रृंखला लिखो वन टू और थ्री, ये बच गया और ये बच गया, ये मैथिल है ये भी मैथिल है, कौन से पे बचा, ये भी दो पे और ये भी दो पे, तो ऐसे लिखेंगे दो कौमा दो। ठीक, दो कौमा दो, क्योंकि ये भी दो पे है और ये भी दो पे है, ये मैथिल है ये भी मैथिल है। अब देखो रसायन विज्ञान में कोई भी डबल चीज के लिए डबल नाम ना लिखते हैं, नाम से पहले दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा और पांच के लिए पेंटा। हालांकि आपको कहां तक जाना, केवल टेट्रा तक समझ लो, तो लेकिन यहां तो दो है ना, ये मैथिल ये मैथिल, तो डाई लगाओ, डाई और क्या लिखोगे, मैथिल, सही है। अब श्रृंखला में कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन के एल्केन लिख दो, तो हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका ये आईपीएसी, ये वाले बेटा क्या है, आईपीएसी नाम है, ये वाले नंबरिंग करके आईपीएसी नाम है, ये आईपीएसी नाम। ठीक है, इसका कराऊंगा आईपीएसी नाम। कैसे करोगे, देखो इसमें भी करोगे वन टू थ्री और फोर, तो ये बच गया और ये बच गया, लिखो आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, दो कौमा दो और डाई मैथिल, डाई मैथिल। और कितने कार्बन है बेटा, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चार के एल्केन लिख दो, तो यहां पर प्रोपेन। इस तरीके से नॉर्मल आइसो और नियो इनके हम क्या है, आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही बात तुम्हारी समझ में, फिर से देख लो बेटा, मैं फिर से दिखा दूंगा तुम्हें एक बार, इधर और देख लो, नियो और आइसो ये आपको श्रृंखलाएं बनानी आनी चाहिए। देखो यहां देखेंगे बेटा, यहां नॉर्मल और आइसो, जैसे कोई कहने लगे भाई सिंपल सी बात है, जैसे यहां पर कह दे सी एच थ्री, सी एच थ्री सॉरी सी एच टू और सी एच टू, सी एच टू और सी एच थ्री, सही है। इसका नाम कोई आईपीएसी पूछे तो ना, आईपीएसी सीधी श्रृंखला है, सीधे एक दो तीन चार पांच, पांच पेंटेन है, क्या है पेंटेन, इसके नाम के आगे एन लगा दो, यानी कि सीधी रेखा में पांच कार्बन की एल्केन है। लेकिन यहीं पर कोई कहने लगा भाई आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का सूत्र बताओ, किसका, आइसोपेंटेन का, ये आइसोपेंटेन का आईपीएसी नाम। तो पहले इसके आइसोपेंटेन का ना आपको क्या है, सूत्र बनाना पड़ेगा। आइसो का मतलब है बीच में सी एच डालो, एक संयोजकता इधर, एक संयोजकता इधर, एक संयोजकता इधर, इधर कार्बन और इधर कार्बन और इधर कार्बन, ठीक है। कार्बन कितने हो गए, चार, लेकिन वो तो पेंटेन कह रहा था पांच कार्बन, तो एक इधर और लगा दो। ठीक, अब पूरा कर दो इसको हाइड्रोजन से, इसको कितने एच लगाऊं बताओ, अरे इसकी संयोजकता चार है, एक जुड़ी हुई है, तीन लगाऊंगा, इसकी संयोजकता एक इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई,
होती है चार, तो दो तो रह गई, तो एच के दो लगा दो, ठीक है ना। यहां पे एच के कितने लगा दो, तीन, और यहां पे एच के कितने लगा दो, तीन। अब ये किसका हो गया, आइसोपेंटेन। आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे करोगे बेटा, अब नंबरिंग करोगे, इधर से करूंगा वन टू, क्योंकि टू पे आ रहा है, वन टू थ्री और फोर लिखोगे। इसको कौन से पे छूटा, टू मैथिल, जो छूट जाए श्रृंखला से वो पहले लिखेंगे। टू मैथिल पांच कार्बन के लिए, क्या सॉरी कितने, एक दो तीन चार है, चार के लिए ब्यूटेन, क्या लिख लोगे, ब्यूटेन, ठीक है। अब वो कहने लगा क्या, यहां कह दे न्यू पेंटेन, क्या कह दे, न्यू पेंटेन का सूत्र लिखो। तो न्यू पेंटेन का मतलब है बीच में कहीं सी लगाओ, और इसकी संयोजकता किससे जोड़ो बेटा, चारों सी से जोड़ो, सही। देख रहे हैं, न्यू पेंटेन मांग रहा था, पांच कार्बन मांग रहा था, एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए, बस पूरे कर दो। यहां एच के तीन, यहां भी एच के तीन, यहां भी एच के तीन, और यहां भी एच के तीन, ठीक। अब इसका आईपीएसी नाम कैसे दोगे, ये तो जनरल नाम हो गया, आईपीएसी नाम के लिए नंबरिंग करोगे, तो वन टू और थ्री। अब ये बच गया बेटा, और ये भी बच गया, इनको पहले लिख दो, जो जो बच गए, कौन से पर बचा, ये भी दो पर बचा और ये भी दो पर, तो हम लिखेंगे दो कॉमा दो और डाई, और यहां लिखोगे मैथिल, मैथिल। देखो अंक और गिनती के बीच डैश लगाते हैं, और गिनती गिनती के बीच कॉमा, तो डाई मैथिल, इसका और इसका दोनों का नाम लग गए। अब इसको लिख दो, एक दो तीन चार, सॉरी तीन है, तीन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से हमें नॉर्मल आइसो नियो पता होने चाहिए, सही है, बस इसमें ही श्रृंखला है नॉर्मल आइसो और नियो। अब देखेंगे बेटा, अब आईपीएसी नाम में एल्कीन के बताऊं, किसके, एल्कीन, सही। देखो एल्कीन का मतलब है द्विकबंध होती है, क्या होती है, द्विकबंध, ठीक है। यहां देखो बेटा, जैसा ये एल्कीन कर लो, क्या कर लो, यहां एल्कीन। अब तो बहुत सिंपल है, एल्कीन, जैसा मान लो ये है सी एच टू, द्विकबंध सी एच टू, किसका सूत्र है बेटा, ये एथिलीन है, क्या है ये, एथिलीन, जो क्या है बेटा, फलों को पकाने वाली ये गैस है। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, अरे सिंपल नाम है, एल के प्लस के इन, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए लिखोगे एथ और इन लिख दो, तो क्या हो गया ये, एथीन हो गया, क्या हो गया, एथीन हो गया, ठीक। एल की दो कार्बन, अब देखो सी दो एकबन सी एक अलबन सी, ये है, तो इसके लिए एच के तीन लगाओ, यहां एच एक और यहां एच के कितने, दो, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी बेटा, क्या करोगे, वन टू थ्री, यहां लिखोगे तीन कार्बन के लिए अधूरा नाम लिखो, तीन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, और कितने पे इन है बेटा, ये द्विकबंध कितने पे है, पहले पे, तो यहां लिखोगे बन और इन, क्या हो जाएगा ये, इस तरीके से लिखते हैं। और आ जाओ बेटा आगे, जैसे मान लो सी द्विकबंध सी एकलबंध सी एकलबंध सी, यहां पूरा करो, इसको तीन करेंगे, इसको दो करोगे बेटा, इसको एक करोगे, इसको दो करोगे, ठीक है। अब नंबरिंग करो, वन टू थ्री और फोर, ठीक है ना, इस तरीके से करोगे। तो कितने कार्बन है, चार, चार के लिए ब्यूट लिखोगे, और कितने पे ईन है, वन पे ईन, वन पे ईन। ये और आ जाओ बेटा, सी एक अलबन सी दो एकबन सी एक अलबन सी एक अलबन सी, और यहां पे ये सी है, ऐसा समझो। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, इसको पूरा करो, इसको एच के तीन, इसको एच के कितने, तीन, एच के कितने करोगे, तीन, और ये भी एक, और इसको भी एक, और इसको भी एक, और इसको कितने करोगे, तीन। नंबरिंग करो बेटा, एल्कीन है, द्विकबंध है ना, इन लगाएंगे लास्ट में, एल्क प्लस का इन, क्योंकि एल्कीन है, तो क्या करोगे, इधर से दो नंबर, क्योंकि इधर से एल्कीन को नंबर इधर आ रहा है जल्दी, इधर करोगे एक दो तीन पे आ रहा है, इधर एक दो पे, तो वन टू थ्री फोर और फाइव, इस तरीके से बड़ी श्रृंखला चुन ली, ठीक है। तो जो बच गया पहले उसको लिखो, ये बच गया, कितने पे बचा, फोर पे बचा, फोर मैथिल, क्या है, फोर मैथिल, और कितने कितने कार्बन है, पांच है,
तो के लिए लिखोगे पांच के लिए पेंट, कितने पे इन है, दो पे, ये दो पे ही तो है, यहां पे लगा दो, दो इन, दो इन, इस तरीके से ये हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, एथिलीन के लिए स्पेशल याद रखें, एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 2 CH2, ये इस श्रेणी का पहला सदस्य है और इसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, IPAC नाम क्या है, एथीन। दो कार्बन के लिए पहले सदस्य के लिए ये माफी है, फिर उसके बाद जब भी करोगे तो नंबरिंग करोगे, है ना, या मान लो ये है का सी, एकल बंध सी, एकल बंध सी, या यहाँ दो एक बंध, यहाँ पे सी, यहाँ एच कितने, थ्री, यहाँ एक एच का, यहाँ भी एच का और यहाँ भी एच के तीन। अब किधर से नंबरिंग करो, चाहे इधर से दो पे आ रहा है, इधर से भी दो पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, चार कार्बन है, चार के लिए ब्यूट लिखोगे, कितने पे इन है, टू पे इन, टू पे इन, इस तरीके से ये हो जाता है एल्कीन का। ठीक है, किसका हो जाता है, एल्कीन का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो IPAC नाम एल्काइन के, हाँ बेटा जल्दी से समझ, कोशिश कर रहा हूँ एक ही वीडियो में सब बता दूंगा, ठीक है ना, इसलिए जो है ज्यादा बार बार वीडियो ना बनाएंगे इसकी, एक ही वीडियो में इतना कर दूंगा कि तुम्हें बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। देखो एल्काइन के, एल्काइन के, एल्काइन का मतलब है, आप लोग जानते हो एल्काइन में क्या होता है, तिरेकबंध होता है, क्या होता है, तिरेकबंध। तो देखो पहला सदस्य सी, तिरेकबंध सी, यहां एच, यहां पर एच, ये बेटा एसिटिलीन का सूत्र होता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस है ये, क्या है, एसिटिलीन गैस का सूत्र है ये। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे आईपीएसी नाम, अरे आईपीएसी नाम तो वैसे ही करेंगे, कितने कार्बन है, दो, तो एल प्लस का आयन, तो क्या लिखोगे, दो कार्बन के लिए एथ और आ और इन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, और सी त्रिकबंध सी, एकलबंध सी, एस है, एच के कितने, तीन, इसको एक भी कार्बन हाइड्रोजन ना चाहिए, इसको एक, नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो क्या लिखोगे, तीन कार्बन के लिए प्रोप, और कितने पे आयन है बेटा, वन, और यहां लिख दो आयन, सही है। ये कौन सा है बेटा, ये एल्काइन है, और देखेंगे सी एकलबंध या त्रिकबंध सी, एकलबंध सी, एकलबंध सी, यहां पे एच के तीन, यहां पे एच के दो, यहां पे एच का एक भी ना, यहां पे नंबरिंग किधर से करूंगा, 1 2 3 4, सही है। तो फोर के लिए क्या, चार कार्बन के लिए ब्यूट, कितने पे आयन, वन पे आयन, वन पे आयन, या और देख लो बेटा, यहां देख रहे हैं सी एकलबन सी, त्रिकबन सी, एकलबन सी, एकलबन सी, और यहां पे सी एच थ्री, ऐसे लिख दो, यहां सी एच थ्री, यहां सी एच, यहां इसको एक भी कार्बन ना चाहिए, हाइड्रोजन ना चाहिए, इसको भी ना चाहिए, यहां पे चाहिए। ठीक है, नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना, ग्रुप को महत्व देते हैं, ग्रुप को जल्दी से जल्दी नंबर आए तो दूसरे पे आ रहा है, उधर से ज्यादा आ रहा है, ये बच गया बचा लो, इसको पहले लिख दो, जो बच गए उनको पहले लिख देते हैं, 4-methyl, 4-methyl, ठीक है ना, और कितने कार्बन है, पांच है, तो पांच के लिए पेंट, और कितने पे आयन है बेटा, 2 पे आयन, 2 आयन, 2 आयन, हालांकि इसका बहुत आता है, एसिटिलीन का आईपीएसी नाम, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, CH3CH, या इसको इकट्ठा लिख सकते हो बेटा, या C2 और H2 भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, C2H2, ये फलों को सॉरी गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है, बिल्कुल सिंपल है। एल्केन में एल्क प्लस के आयन, एल्केन में एल्क प्लस के एन, एल्कीन में एल्क प्लस के इन, और एल्काइन में एल्क प्लस के आयन, ठीक है, ये देख लेंगे। ठीक, ज्यादातर इनके ही आते हैं, एसिटिलीन का ज्यादा पूछता है, बाकी की तो सब में वो ही है, एल्क प्लस के आयन, एल्क आपको याद ही हो गई होंगी। अब आ जाओ देखो बेटा एल्कोहल के, किसका, एल्कोहल, एल्कोहल को कैसे पहचानोगे, यहां इसका एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होता है बेटा, एल्कोहल में R और OH होता है, यानी कि इसमें क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह,
जो होता है ना वो एकल बंद OH होता है, यानी कि एकल बंद OH को समझ जाते हैं। जैसे यहां इस श्रेणी के पहला सदस्य है CH3OH और अगला है CH2OH और अगला है CH2 और OH और अगला देखेंगे CH2 और OH। इनके नाम सीधे हैं, वैसे तो सीधे नाम है, जो आईपीएसी नाम नहीं बता रहा हूं, सीधे नाम क्या है, ये मेथिल है, ये अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल हो गया, ये दो कार्बन का एल्किल है तो एथिल अल्कोहल, ये एक दो तीन कार्बन का एल्किल है तो प्रोपिल अल्कोहल, एक दो तीन चार कार्बन का एल्किल है तो ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है इनके जो साधारण नाम है, इसका साधारण नाम है मेथिल, अरे CH3 को मेथिल बोलते हैं और OH के लिए अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल अल्कोहल, यहां पर क्या है बेटा एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल, यहां क्या है ये कितने कार्बन का है, चार का है, तो सॉरी तीन का है, प्रोपिल अल्कोहल अल्कोहल, और ये क्या है चार कार्बन का है तो ब्यूटिल अल्कोहल अल्कोहल, सही है। अब देखो बेटा ये तो इसके साधारण नाम हो गए, आईपीएसी सूत्र, इनका आईपीएसी नाम लिखने का, आईयूपीएसी नाम लिखने का जो सूत्र होता है ना वो होता है एल्केन प्लस का ऑल लगाते हैं, क्या लगा देते हैं ऑल, एल्केन प्लस का ऑल। तो देखो यहां पर इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, अरे कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेन और लगा दोगे ऑल तो मेथेनॉल, ठीक, दो कार्बन का है, दो कार्बन के लिए एल्केन कौन सी होती है, दो कार्बन के लिए एथेन और ऑल लगा दोगे तो एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल। अब आ जाओ बेटा यहां दो कार्बन तक ही है, फिर उसके बाद अगर आपके कार्बन ज्यादा है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और उस सिरे से करनी पड़ेगी जिधर से ग्रुप आ जाए, तो इधर से ही आएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, अरे तीन कार्बन के लिए एल्केन कौन सी है, प्रोपेन, क्या लिखोगे प्रोपेन, और कितने पे ऑल, वन पे ऑल, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा यहां पर 1 2 3 4, यहां कितना है बेटा, यहां पर है चार कार्बन है तो ब्यूटेन और क्या हो जाएगा वन और क्या हो जाएगा ऑल। अब इसमें एल्कोहल में भी क्या हो जाते हैं, द्वितीयक और तृतीयक हो जाते हैं, क्या होते हैं द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे कह दे लगे बेटा, यहां ये कहने लगे ये सब नॉर्मल है, कोई कहने लगे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल का मतलब है बेटा CH होना चाहिए, तो यहां लिखा होगा क्या CH और OH, ये द्वितीयक हो गया, सही है ना। अब इसकी संयोजकता एक और एक दो, ये C और ये, इतना ये द्वितीयक बना दिया मैंने, CH बताया ना था द्वितीयक है, सही है, द्वितीयक या आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहां पे आइसो यहां द्वितीयक, तो द्वितीयक एल्कोहल बना दिया, लेकिन अभी पूरे ना हो गया क्योंकि द्वितीयक ब्यूटिल पूछ रहा था, ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, चार, तो एक और बढ़ा दो, एक यहां कर दिया सी, कंप्लीट कर दो इसको H3 इसको H2 और इसको H3, ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। अब आईपीएसी नाम कैसे करेंगे, तो आईपीएसी में देखो, अब बेटा ये सिरा ना है, ये सिरा नहीं है, या तो ये सिरा है ये सिरा है, तो नंबरिंग करो बेटा, नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, सही है, तो ये हो गया। अब कैसे लिखोगे नाम, चारों कार्बन तो आ गए उसमें, तो चार कार्बन की एल्केन लिख लो, चार कार्बन की एल्केन क्या है ब्यूटेन, और कितने पे है ऑल, टू पे ऑल, ठीक है, इस तरीके से ये द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अगर और कह देता, ये मान लो सपोज करो ये कह देता द्वितीयक पेंटिल एल्कोहल, ये साधारण नाम है, तो पहले तो इसका भी सूत्र बनाओ, तो मैंने बताया द्वितीयक कह रहा था CH और यहां OH और यहां C और यहां C लगा दो, ठीक है, ये द्वितीयक बना दिया हमने, ठीक, लव कह रहा है पेंटिल का मतलब पांच कार्बन, तो बेटा कहीं भी पूरा कर दो, चाहे दो कार्बन इधर लगा दो, चाहे एक इधर और एक इधर, इससे कोई फर्क ना, चलो मैं इधर ही लगा दे रहा, एक सी, एक दो तीन चार पांच हो गए, ठीक, कंप्लीट कर दो H के दो, यहां H का कितना,
दो और एच के तीन, और यहां भी एच के तीन। नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। पांचों कार्बन आ गए, तो पांच के लिए पेंटेन लिखोगे, पेंटेन। और कितने पे ऑल है? टू ऑल, टू ऑल। इस तरीके से और ज्यादा हो सकता है, ठीक। अब आ जाओ बेटा, यहां पे आ जाता है तृतीयक एल्कोहल, यहां पे क्या आ जाता है? तृतीयक एल्कोहल। ये था द्वितीयक। तृतीयक कैसे बनाएंगे? तृतीय, जैसे ये कहने लगा है, भाई इसका नाम बताओ, तृतीयक पेंटिल एल्कोहल, तृतीयक पेंटिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम एल्कोहल, ठीक है ना। तो आप देखो कैसे लिखोगे, तृतीयक का मतलब है बेटा सी एकलबंध एकलबंध एकलबंध, सी करना पड़ेगा, और यहां हुआ है, यहां सी सी सी, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, ये तो चार कार्बन हुए हैं, अभी कितने हुए हैं? चार। करने कितने हैं? पांच। तो एक कहीं भी लगा दो, एक यहां लगा दिया, ठीक है ना। अब नंबरिंग के दर से करोगे भाई, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, या यहां से करो, हमें पता है उधर से करेंगे जिधर से जल्दी से ग्रुप आएगा। पहले पूरा कर दो, इसको एच के तीन, इसको एच के कितने? दो, सॉरी तीन ही करेंगे इसको भी, इसको एच के कितने? दो, और इसको एच के तीन। तो क्या करोगे? 1, 2, 3 और 4। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, श्रृंखला से बच गया कुछ? हाँ, एक सी एच थ्री बच गया। सी एच थ्री कहां बचा है? दो पर बचा, तो यहां लिख लो 2-methyl, 2-methyl, ठीक। अब कितने? 1, 2, 3, 4। चार के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। कितने पे ऑल है बेटा? 2 पे ऑल, 2 पे ऑल, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या मान लो अभी आ जाओ बेटा, और थोड़ा एक और बताते हैं। यहां कह दे तृतीयक, तृतीयक हेक्सिल, हेक्सिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। इतना कहेगा ना, लेकिन मैं बता रहा हूं। अब तृतीयक कहता, तो मैंने तुम्हें बताया सी एकलबंध OH, यहां यह, ये हो गया बेटा तृतीयक, ठीक है। तृतीयक कहते हैं बीच में कहीं एक सी डालो, ठीक है, उससे OH डोलो, फिर उसकी तीनों संयोजकता किससे जोड़ो? कार्बन से। अब हम देख रहे हैं यहां पे हेक्सिल है, 6 कार्बन है, यहां 1, 2, 3, 4 करे, तो आप यहां बढ़ा लो, यहां क्या बढ़ा लो? बढ़ा दिया, कंप्लीट करो, इसको 3, इसको 2, इसको भी 2, इसको 3 और इसको भी 3, पूरा हो गया। अब से, कहीं से नंबर करो, 1, 2, 3, 4 और 5, ये बच गया, हाँ तो बच गया, तो पहले लिख लो 2-methyl, 2-methyl, और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, पेंटेन। क्या लिखोगे? पेंटेन। कितने पे ऑल है बेटा? 2 पे ऑल, 2 पे ऑल। इस तरीके से देख रहे हैं, चाहिए, ये हो गया बेटा। ये देखो, ये प्रार्थमिक एल्कोहल कहलाते हैं, प्रार्थमिक या सीधी रेखा वाले। ये द्वितीयक कहलाते हैं, द्वितीयक में ध्यान रखना एक सी एच पे OH होता है, और तृतीयक में क्या होता है? सी पर OH होता है, फिर सी की। अब मान लो हमने सी एच कर रहे हैं, तो अब एच तो लगाएंगे ना, इसकी जितनी भी संयोजकता कार्बन से ही तो कंप्लीट करोगे, कितनी संयोजकता? सी एच OH कर लिया द्वितीयक में, सी एच OH। अब इसकी कितनी संयोजकता? 2 बच गई, तो कार्बन से तो जोड़ोगे, तो एक इधर और एक इधर, बाकी की जितने कार्बन और चाहिए इधर बढ़ा दो, चाहे नीचे बढ़ा दो। ऐसे ही बेटा तृतीयक में सी एच OH होता है, सी एच OH का मतलब है सी से हाइड्रोजन नहीं लगाओगे, इसकी जितनी संयोजकता बची है सब आप कार्बन से पूरी करोगे, तो इसमें 3 संयोजकता कार्बन से होती है, तो ये होता है तृतीयक, सही है। देखो एक मिनट और रुकेंगे, देखो बेटा ये पढ़ लेंगे, देखो क्या क्या है। ये एल्डिहाइड है, ये क्या है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कीटोन है, ये ईथर है। पहले चलो एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड का बेटा ध्यान रखना, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है, क्या होता है? क्रियात्मक समूह, एकलबंध सी एच ओ है, यानी कि एकलबंध सी एच ओ को देखकर आप पहचान लोगे ये एल्डिहाइड है या ना है। अब एल्डिहाइड इस श्रेणी का देखो, मैंने 3 सदस्य रखे हैं, 1, 2 और 3। पहला सदस्य होता है एच सी एच ओ, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। दूसरा सदस्य सी एच थ्री सी एच ओ, इसी प्रकार से आगे भी सदस्य होते हैं, लेकिन तुम्हें 2 याद रखने, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटाल्डिहाइड। देखो इनके आईपीएसी नाम कैसे लिखोगे, तो हमने बताया आईपीएसी नाम बिल्कुल सिंपल है,
कार्बन को देख के एल्केन लिख लो और अल लगा लो। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या होता है एल्केन, मैथेन, सही, और अल लगाओगे तो लगा लगाओगे तो ये हो गया मैथेनल, क्या होगा मैथेनल। ऐसे ही बेटा एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथेन लिखोगे और अल लगाओगे तो ये हो गया एथेनल, ये मैथेनल, ये एथेनल। यहां कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन के लिए प्रोपेन लिखोगे, क्या लिखोगे प्रोपेन, और अल लगाओगे तो प्रोपेनल। ऐसे ही ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरीके से। खैर तुम्हें ये ध्यान रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO, IPAC नाम होता है मैथेनल, ये होता है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इसका IPAC नाम होता है एथेनल, और जितने भी कार्बन हो एल्केन प्लस के अल लिख दो, ठीक है, जैसे ये है। आ जाओ बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, एकलबंध COOH, COOH को देखकर आप ये पहचान सकते हो कि इसका क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इस श्रेणी के पहले और दूसरे सदस्य के आपको जनरल नाम याद होने चाहिए। पहला सदस्य का नाम है फॉर्मिक अम्ल और दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, यानी कि डंकों में पाया जाता है, ये एसिटिक अम्ल है, ये सिरका है। अब देखो आईपीएसी नाम कैसे लिखोगे, एल्केन लिखोगे कार्बन को देख के और एक अम्ल लिख दोगे, जैसे एक कार्बन है तो मेथेन लिखेंगे, क्या लिखोगे मेथेन, ठीक, और ओ एक अम्ल लगा दो, ओ एक, और अम्ल या एसिड बात एक ही है, अम्ल या एसिड, ठीक। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथेन लिखोगे, क्या लिखोगे एथेन, और ओ एक, और एसिड लिख लो, चलो क्या लिख लो एसिड और अम्ल बात एक ही है। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार के लिए क्या लिखोगे ब्यूटेन, क्या लिखोगे ब्यूटेन, और ओ एक और अम्ल लिख दोगे, ओ एक और अम्ल, ये इनके आईपीएसी नाम, एल्केन प्लस के ओ एक अम्ल। एल्केन कितने कार्बन को देखते, अच्छा देखो अब आ जाओ बेटा कीटोन में, मैं कीटोन में एक ही याद रखवाऊंगा, एक का साधारण नाम है इसका एसीटोन, क्या है एसीटोन। आईपीएसी नाम बिल्कुल सिंपल, अरे कैसे एल्केन प्लस का ऑन लगा दो, कीटोन में क्या लिखते हैं एल्केन प्लस का ऑन, एल्केन कितना एक दो तीन, तीन के लिए एल्केन कौन सी हो जाएगी प्रोपेन, और ऑन लगाओगे तो प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। और आ जाओ CH3, यहां CH2, CO और CH3 है, अब नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4, तो चार के लिए क्या लिखोगे ब्यूटेन, और कितने पे ऑन है तो दो पे ऑन, टू पे ऑन, इस तरीके से टू पे ऑन, सही है ना, एल्केन प्लस के ऑन होता है, ठीक, बहुत समझे, देख रहे हो। अब देखो बेटा क्या करते हैं, जैसे इसमें है, इसमें देखो ये है ईथर, ईथर में ओ के इधर उधर एल्किल समूह जुड़े होते हैं, इसमें छोटे के साथ ओ आता है, छोटे के साथ ओ आता है, बाकी की इसको एल्केन लिख दो। जैसे ये कितना है, जैसे इसमें तो दोनों ही छोटे हैं, एक कार्बन का है ये भी एक कार्बन का, कोई छोटा बड़ा ना है, तो एक कार्बन के लिए मेथ लिखो, इसके लिए क्या लिखा मैंने मेथ, और ऑक्सी लिख दो मेथॉक्सी, और कितने कार्बन बचे, एक कार्बन है इसके लिए एल्केन लिख दो, तो मेथेन हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। अब यहां छोटा ये बड़ा है और ये छोटा, जो छोटे के साथ ओ लगाओगे तो एक कार्बन है, एक के लिए लिखोगे मेथ और ओ के लिए लिख दो ऑक्सी, तो मेथॉक्सी, और कितने कार्बन है एक और दो, तो ये हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। अब इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो ये इसके साथ भेज दो, तो इस दो कार्बन के लिए अधूरा नाम लिखोगे एथ और ओ के लिए लिखोगे ऑक्सी एथॉक्सी, और यहां एल्केन क्या हो जाएगा इसके लिए लिख दोगे एथेन। तो इस तरीके से ये किसके ईथर के नाम लिख जाते हैं, आईपीएसी नाम, छोटे के साथ ऑक्सी और बड़े जितने बड़े दूसरी तरफ बड़ा होता है उसके लिए एल्केन लिख दोगे, ठीक। आ रही बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा ये हेलो एल्केन है, क्रियात्मक समूह एक्स होता है, एक्स की जगह बेटा चार हो सकते हैं, सीएल भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है, और एफ, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये हाइड्रो है, और ये एफ होता है फ्लोरो, क्या होता है फ्लोरो। अब यहां क्या हो जाएगा, वैसे इसका साधारण नाम क्या है, एथिल क्लोराइड है, क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे बेटा क्लोरो, क्लोरो, और क्या है कितने कार्बन है दो, दो के लिए एथेन, तो क्लोरो एथेन हो गया, ठीक। अब इसके लिए ये क्लोरो फॉर्म होता है, तो ये तीन है ना, तो ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो, और कितने कार्बन है बेटा एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन, एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेथेन। अब इसमें भी आज इसमें देखो इसमें क्या है, सिंपल है, नाइट्रो और एल्केन, नाइट्रो यहां पे लिखोगे नाइट्रो
और कितने कार्बन है बेटा? अरे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथेन लिख दो। क्या लिख दो? मेथेन। ठीक, यहां नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1, 2, 3 कितने पे? अरे 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो। कितने कार्बन है बेटा? 1, 2, 3, 4 नहीं सॉरी 3 है, 3 के लिए लिख लो प्रोपेन। सही है, इनके तो आईपीएसी सूत्र देख लियो। ठीक है, किसका याद रखेंगे बेटा? इसका याद रखना, एल्डिहाइड का बहुत आता है और अम्ल का, एल्डिहाइड और अम्ल दोनों के याद रखना, और तीसरा कीटोन। हालांकि एक बार सब देख लियो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिख रखा होगा, आप संभाल के देखो ना। मैंने नंबरिंग डाल दिया 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 6, इससे ज्यादा आईपीएसी बाहर ना आएगी, ठीक है ना। चलो बेटा आ गए, अब देखो मैं एक वीडियो और बताऊंगा रसायन विज्ञान की, और उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा, फिजिक्स भी पूरा दूंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक के साथ दूंगा जो कि तुम्हें सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, आप लोगों का काम है, आपका क्या करना है बेटा, वीडियो को जितना भी शेयर कर सको शेयर करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि जब मैं वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, ठीक, और देख रहे हैं वीडियो को आप प्लेलिस्ट में पूरा से पूरा देखें, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मिलते हैं फिर एक बार, और तैयारी कराऊंगा छोटे छोटे वीडियो डालकर और लाइव आकर। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।